प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर जलसा में जापान प्रधानमंत्री से करी द्विपक्षीय बातचीत। जलसा में मुक्त व्यापार, आर्थिक विकास, आतंकवाद और जलवायु में बदलाव जेड़ा मुद्दा में थी बातचीत। राज्य विधानसभा बजट सत्र आज शू हो शुरू। सत्र पहले दिन दिवंगत सदस्य और जनप्रतिनिधि ने श्रद्धांजलि देवार पाछे कार्यवाही काल तय स्थगित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का निदेशक डॉक्टर समित शर्मा माते भर्तिया में अनियमितता लागे आरोप। चिकित्सा मंत्री की शिकायत पचे पच्छु हटार, अब कौशल आजीविका विकास निगम भी दी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन रविवार 30 जून ने देशवासियों से करेला मन की बात वनारा दूजा कार्यकाल में आकाशवाणी रा इन कार्यक्रम की आवेली पहली कड़ी। अरे विश्व कप क्रिकेट में आज भारत वेस्ट इंडीज की टीम आमसामे, भारत टॉस जीत करियो पहला बल्लेबाजी रो फैसलो। नमस्कार, सिंजा 5 बजारी राजस्थानी खबरों में आपरो घणो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास, सौरभ खबरा विगतवार। G20 शिखर जलसा में भाग लेवा खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जापान रा ओसाका में पुग्या। बठेवाणा जापान रा प्रधानमंत्री सिंजो आबे सू द्विपक्षीय बातचीत करी। इन पछे प्रधानमंत्री कोबे में भारतीय समुदाय ने संबोधित कर्या। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया रा बड़ा नेताओं सू भारत री नीति, मुक्त व्यापार, आर्थिक विकास, आतंकवाद और जलवायु में बदलाव जेड़ा मुद्दा माथे बातचीत करेला। वणारो काल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सू मुलाकात रो कार्यक्रम भी है। और 3 दशक बाद पहली बार, लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। भारत जिला विषय और देश, उसमें ये सिद्धि सामान्य नहीं है। और वैसे तो 1984 में भी लगातार दूसरी बार एक पार्टी की सरकार बनी थी। ये बात सही है कि 1971 के बाद देश ने पहली बार एक सरकार को प्रो इनकम्बेंसी जनादेश दिया है। साथियों, जो प्रचंड जनादेश भारत ने दिया है, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? तो ये जीत किसकी है? सच्चाई की। किसकी जीत है? लोकतंत्र के। जब मैं आपसे जवाब सुनता हूं, इतना आनंद आता है। ये सच्चाई की जीत है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है। भारत के मन को आप जापान में बैठकर के भी भली भांति समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। उनके एस्पिरेशंस और आपके एस्पिरेशंस के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होता है। तब जाकर के जवाब आपके मुंह से सुनने का अवसर मिलता है और तब मन को बहुत संतोष होता है कि हम सही दिशा में हैं। राज्य विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हुयो। सत्र पहले दिन दिवंगत सदस्य जनप्रतिनिधियां पुलवामा हमला रा शहीदा और बाड़मेर हादसा रा मृतका ने श्रद्धांजलि देवार पछे कार्यवाही काल सुवारे ताई स्थगित कर दी गई। इनसु पहला सदन रा पटल माथे लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन अधिनियम 2019 और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग माए संशोधन अध्यादेश 2019 ने राख्यो गयो। राज्य सरकार री महत्वजोग योजना रे तहत गाड़िया लुहारा ने स्थायी रूप सु भसार समाज री मुख्य धारा में जोड़वा खातर महकमा कानी सू मकान बनावा और कच्चो माल खरीदया जावा खातर अनुदान योजना संचालित करी जा रही है। निदेशक और संयुक्त शासन सचिव सांवरमल वर्मा इन योजना री जानकारी देता तका बतायो कि गाड़िया लुहारा ने स्थायी रूप सु बसावा खातर ग्रामीण खेतरा में 150 वर्ग गज और शहरी खेतरा में 50 वर्ग गज जमीन आवंटित करवारो प्रावधान है।
जका गाड़िया लुहार परिवार माए पति और पत्नी रो खुदरो मकान नी है, वणा निर्धारित प्रपत्र माए आवेदन री पानड़ी देर मकान बनाबा खातर अनुदान री मांग कर सके है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा मिशन निदेशक डॉक्टर समित शर्मा ने पद सू हटा दियो गयो है। स्वास्थ्य मिशन री भर्तिया माए अनियमितता रे चालता एनएचएम रा दो आला अफसरा ने भी निलंबित करो गयो। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा री शिकायत रे पछे मुख्यमंत्री रा निर्देश माते आ कार्रवाई करी गई। समित शर्मा ने अवैध श्रम महकमा माए आयुक्त और कौशल और आजीविका विकास निगम माए प्रबंध निदेशक री जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान पुलिस अभिनव पहल करता थका आम जनता ने जोड़बा खातर पुलिस मित्र सहयोग योजना शुरू करी है। इंडे तहत पुलिस प्रशासन सारू सहयोगात्मक भाव जगाबा और सामाजिक और जनहितरा कामा माए पुलिस रे साथ सहभागी रूप सू काम करबा खातर स्वय प्रेरित लोगा ने चुनियो जावेलो। इच्छुक आदमी राजस्थान पुलिस रा वेब पोर्टल माथे आपरो पंजीकरण करा सकेला। वेब पोर्टल रा उद्घाटन मौका माथे काल अशोकनगर थाना परिसर माए कार्यक्रम राख्यो गयो। इन माए पुलिस महानिदेशक कपिल गर्ग अनुसंधान अहलकारा ने टेबलेट बांट्या। क्या हो रहा है कि हम अभी तक सारा काम फील्ड में करते हैं और हमारे सारे डेटा की एंट्री वापस आ करके थाने में की जाती है। कोई दोहरा काम है, गलतियों की संभावना है। तो हमने कुछ समय पहले, दो ढाई साल पहले ये सोचा कि इसको हम मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लाएं। तो मोबाइल प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो हमारे पुलिस अधिकारी जहाँ हैं वहाँ से अपनी कार्रवाई सीधे इस टैब के माध्यम से CCTNS सर्वर पे कर सकेंगे। उन्हें दोबारा काम करने की ज़रूरत नहीं होगी, प्रिंट थाने पे जाके निकालने, लेकिन एंट्री वहीं से कर सकते हैं। तो हमने जिस तरीके से केस डायरी को ऑनलाइन बनाया तो वो भी केस डायरी मौके पे ही कर सकते हैं। बाकी की जो हमारी अनुसंधान की और बहुत सारे काम करते हैं, बयान भी लेते हैं, नक्शा मौका भी बनाते हैं, सीजर भी करते हैं। राजस्थान पुलिस का प्रयास ये रहेगा आने वाले समय में कि सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाएं, जो मौके से ही एंट्री हो जाए, तो आईओ को दोबारा मेहनत नहीं करनी होगी, गलती की संभावना नहीं होगी और तफ्तीश भी गति से। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ावा और औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार का बत्ता मौका पैदा करवा खातर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों से सीधो संवाद करो जारी हो। जानकारी अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग डॉक्टर सुबोध अग्रवाल दीनी जयपुर उद्योग भवन में जेसीबी जयपुर चंबल फर्टिलाइजर कोटा सुविधा स्पिनर्स भीलवाड़ा समेत करीब आधार दर्जन बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठान से सीधो संवाद करो गयो। अतिरिक्त मुख्य सचिव कहो कि औद्योगिक इकाया रा आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण माथे भी चर्चा करी जा रही है। जयपुर रा भारतीय शिल्प संस्थान माई 5 दिनारो शिल्पशाला कार्यक्रम राख्यो जा रही है। उद्योग महकमा कानी सू राख्योड़ी इन शिल्पशाला माए जठे एक कानी प्रदेश रा ख्यातनाम शिल्प गुरु युवावा ने शिल्प रा गुरु सिखारिया है, बटे दूजी कानी युवावा माए भी शिल्प कला ने लेर घणो उत्साह नजर आ रियो है। उद्योग आयुक्त डॉक्टर कृष्णकांत पाठक बताया कि शिल्पशाला माए 155 प्रतिभागी शिल्प कलावां रो हुनर सीख रिया है। भारतीय शिल्प संस्थान री निदेशक तुलिका गुप्ता बतायो कि जयपुर भाषा माए सीख वा सारू घणो आकर्षण है। फेमिना मिस इंडिया 2019 री विजेता सुमन राव राजसमंद थापित आपरा पैतृक गांव आईडाना पुगी, जठे गांव वाला कानीसु वणारो जोरदार स्वागत करियो गयो। मिस इंडिया सुमन राव अठे आपरा बचपन री दोस्ता स्कूली टाबर और गांव वाला सु मुलाकात करी। इन दौरान वणारा माता पिता भी वणारा सागे हा। वणा कहो कि इन मुकाम ताई पुगबा माए वणारा माता पिता वणारो भरपूर सहयोग दीनो। हाँ जी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं, मेरा पूरा गांव यहाँ पे है और आजू बाजू की जो गांव है सब लोग आए, मेरे रिलेटिव्स आए यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए और मैं उनसे जीतने के बाद पहली बार मिलने वाली, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत दिनों से वेट कर रही थी मैं कब इनसे मिलूँ, कब अपनी एक्साइटमेंट शेयर करूँ, कब अपनी विनिंग उनके साथ शेयर करूँ। तो मैं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि सबको मैं पहली बार ही मिल रही हूँ जीतने के बाद। और अभी जो इतने दिन से हम प्लान कर रहे थे कि हम जाने वाले मेरे होम कमिंग पे, मैं सबसे मिलूंगी और अब वो फाइनली हो रहा है और सब मुझसे मिलने के लिए इतने एक्साइटेड। और बात फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पूरे समाज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन सबकी। और बस यही कहूँगी कि इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करें मिस वर्ल्ड के लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईद इतवार 30 जून ने आकाशवाणी सू मन की बात कार्यक्रम में आपरा विचार देशवाचारा साथे साझा करेला। नरेंद्र मोदी रा दूसरा कार्यकाल रो ओ पहलो मन की बात कार्यक्रम वेलो एने आकाशवाणी रा साथे दूरदर्शन रा सगड़ा चैनल माते देखियो और सुनियो जा सकेलो। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर लोगा सू मनवार करी के वणा इन कार्यक्रम सू जुड़र देश रा नव निर्माण में आपरी भागीदारी निभावे। मन की बात दुनिया का एक अनोखा कार्यक्रम है क्योंकि शायद ही कोई प्रधानमंत्री हर महीने हर परिवार के एक दोस्त और हितैषी के नाते सभी लोगों से संवाद करते हैं। ये मन की बात हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी दूरदर्शन और सभी जगह से मिलती है और सोशल मीडिया पर भी उपलब्ध रहती है, नमो ऐप पर भी उपलब्ध रहती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार वो ज़्यादा क्योंकि लोगों से ही इनपुट लेके वो बात करते हैं तो बहुत प्रासंगिक होती है। तो आप जरूर केवल देखिए नहीं, लोगों को भी कहिए कि यही एक अनोखा कार्यक्रम है। जनभागीदारी देश के निर्माण में सुनिश्चित करने का, आप जरूर इसको सुनिए और लोगों को भी कहिए। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर। विश्व कप क्रिकेट में आज मैनचेस्टर में भारत रो मुकाबलो वेस्टइंडीज से हो रियो है। भारत टॉस जीतर पहले बल्लेबाजी करबारो फैसलो करियो। भारतीय टीम में किणी भी तरह रो बदलाव नहीं करियो गयो है। सेमीफाइनल में पुगबा खातर भारत ने आखिरी बचा चार माह से दो मैच जीतबो जरूरी है। इन लिहाज से वो मैच जीत और भारत सेमीफाइनल री आपरी ठोर आसान कर ली सी। ताजा समाचार मिलवा ताई भारत 27 ओवर में 3 विकेट का नुकसान माते 126 रन बना लेना है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। हाल री मानसून पहली री बिरखासु प्रदेशवासियों ने बढ़ती गर्मी से राहत मिली, पर उमस बढ़ जावा से लोगों ने परेशानी भी उठानी पड़ रही है। होले होले बढ़तो मानसून काले मध्य प्रदेश पूग्यो, आवाड़ा कुछ एक दिन में इन राजस्थान पूग बारी भी आसे। और अब आखिर में खास खास खबर एक कर फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर जलसा में जापान प्रधानमंत्री से करी द्विपक्षीय बातचीत। जलसा में मुक्त व्यापार, आर्थिक विकास, आतंकवाद और जलवायु में बदलाव जेड़ा मुद्दा माते वेली बातचीत। राज्य विधानसभा रो बजट सत्र आज सु हुयो शुरू। सत्र रे पहले दिन दिवंगत सदस्य और जनप्रतिनिधि ने श्रद्धांजलि देवारे पाछे कार्रवाई काल ताई स्थगित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन रा निदेशक डॉक्टर समीर शर्मा माते भर्ती में अनियमितता वाला लागे आरोप। चिकित्सा मंत्री री शिकायत रे पाछे पद सु हटार, अब कौशल आजीविका विकास निगम री दीनी जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दीतवार 30 जून ने देशवासियों से करेला मन की बात, बनारा दूजा कार्यकाल में आकाशवाणी रा इन कार्यक्रम री आवेली पहली कड़ी। अरे विश्व कप क्रिकेट में आज भारत वेस्टइंडीज री टीम आमे सामे, भारत टॉस जीतर करियो पहले बल्लेबाजी रो फैसलो। इन साथ सीजा 5 बजे राजस्थानी खबर अठी पूरी हुई है। देखता रहो डीडी राजस्थान। नमस्कार।